नमस्कार दोस्तों, और आज हम देख रहे हैं दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ने डिफरेंटली एबल्ड जो भी लोग हैं उनके लिए लॉन्च किया है, दिव्यांग सारथी मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसको है ना मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स के लिए। एक प्रकार का ये एक्सेसिबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव मोबाइल ऐप है। इस ऐप के जरिए क्या होगा, जो भी दिव्यांगजन हैं उनको उनके लिए इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंचाई जाएगी, आसानी से फैला हुआ जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट निकालती है जो कि दिव्यांगजन से संबंधित रहेगी। इस ऐप के क्या क्या फीचर्स हैं तो देखते हैं। पहला एक फीचर से मतलब क्या है ना, इसमें फॉन्ट साइज एडजस्टेबल रहेगा, जो भी दिव्यांगजन पीपल्स हैं वो है ना फॉन्ट साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस ऐप में, और ये है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल रहेगा। अगला इसका फीचर्स है कि है ना इसमें टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्जन सॉफ्टवेयर डाला गया है, जो कि रिटन सॉफ्टवेयर को, रिटन इन्फॉर्मेशन को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट करके देगा। एंड क्या रहेगा इसमें, क्या करेगा, जो भी डिटेल्स हैं, जो भी स्कीम्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम के बारे में, और जो भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो एक क्लिक बटन के एक क्लिक्स पर ही दिव्यांगजन पीपल को मिल जाया करेंगी, वे समझ सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को इस ऐप के जरिए। ये इम्पोर्टेंट फीचर्स है इस ऐप का। इसके ऐप को मतलब इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे गवर्नमेंट का क्या एम है, तो पहली बात तो है ना जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, वो जो भी रूल्स, जो भी एक्ट बनाता है, जो भी रूल्स बनाता है, रेगुलेशन, जो भी गाइडलाइंस जारी करता है, स्कीम बनाता है, इंफॉर्मेशन देता है, वो सारी की सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दिव्यांगजन को प्रोवाइड कराना है इस स्कीम का, इस ऐप का बहुत बड़ा एम्स है, जो कि एक और इसके किस रूप में तो एक्सेसिबल फॉर्मेट में दिव्यांगजन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देख लेते हैं। तो है ना अगर हम 2011 की जनगणना पर देखें तो है ना 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे इंडिया में 2.68 करोड़ लोग दिव्यांगजन हैं, जो कि हमारे पॉपुलेशन का 2.2% हिस्सा है। तो इतने बड़े लोगों को मतलब इतनी बड़ी कम्युनिटी को कवर करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक दिव्यांगजन सारथी मोबाइल ऐप बनाया है। एक प्रकार का जो कंप्लायंट है, जो कि है ना फुलफिल करता है पर्सन विद राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो कि गवर्नमेंट ने बनाया था, उसके एक कंप्लायंट है दिव्यांग सारथी, और ये एक इंटीग्रल पार्ट है आईसीटी कंपोनेंट का, एक इंटीग्रल पार्ट है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 दिसंबर 2015 को लॉन्च की गई थी, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है दिव्यांगजन दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप के बारे में।